सोचा बता दूं कि कभी हमने ये सोचा है कि हम किस माँ को तकलीफ दे रहे हैं? जिस माँ ने अपने पेट में 9 महीने हमें लेकर के ढोया है, जिसका उठना बैठना चलना फिरना सोना सब तकलीफ दे। हमारे पेट के अंदर अगर छोटी सी कंकरी हो जाती है, पथरी हो जाती है, तो हम परेशान रहते हैं। हमारा चलना भी मुश्किल, हमारा बैठना भी मुश्किल, हमारा बोलना भी मुश्किल, कोई चीज़ खाना भी मुश्किल, हर तरीके से परेशान। ज़रा सोचो कि उसी पेट के थैली में हमारी माँ ने हमें 9 महीने तक ढोया है। और यही नहीं, एक बात बताता चलूं नौजवानों, कान खोल के सुन लो और अपनी दिमाग के किसी कोने में उसको गठिया करके रख लो, तो इंशाल्लाह कभी माँ की नाफरमानी नहीं करोगे। अगर हम अपने कंधे पर बैठा करके अपनी माँ को खाने काबा का तवाफ करा दें, उस वक्त भी माँ का वो हक नहीं अदा होगा जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त तुम्हारे माँ को हुआ था। बड़ा आसान समझते हैं ना, जैसे चाहते हैं माँ के साथ बदकलामी कर लेते हैं, क्योंकि अब तो बड़की अम्मा आ गई है। बड़की अम्मा आई, अम्मा गाए, नहीं होना चाहिए। ओ माँ, कि जाड़े के मौसम में हम बिस्तर पे पेशाब कर देते थे, हमारे कपड़े को फौरन माँ बदल देती थी, गीला होने की वजह से माँ उस गीले बिस्तर पे खुद लेट जाती थी और हमें सूखे जगह पे लेटा देती थी कि ताकि बच्चे को ठंडक न लगे, बच्चा निमोनिया का शिकायती न बन जाए, बच्चे को कोई प्रॉब्लम न हो जाए, बच्चा हमारी कोई किसी तरीके की बीमारी न पकड़ ले। माँ हमारे लिए इतनी इतना सोचती, और हम कितना सोच रहे हैं भाई, इतना सोच रहे हैं ना कि हम कोई सामान लाते हैं घर में, अम्मा के लिए लाएंगे तो पूरा सीना तान के लाएंगे, छुपा करके नहीं लाएंगे, दिखाएंगे सबको, ताकि पूरा मोहल्ला जान जाए कि अपनी अम्मा के बड़े वफादार हैं, देखिए अपनी माँ के लिए इतना बड़ा सामान लेके जा रहे हैं। और जब बड़की अम्मा के लिए लाएंगे, मैडम जी के लिए, अम्मो को पता ना चले, अरे शर्म करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी महबूबा है, तुम्हारी अहलिया है, लेकिन चोरी किस बात की? हम लोग कम कमाने वाले, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं कोई भी सामान लाता हूं अपनी माँ के पास रखता हूं, तो माँ फौरन उसमें से आधा उठा करके दे देती है कि बाबू ये ले जाओ अपने बाल बच्चों को खिला दो। तो कुल तो मुझे मिल गया, सामान भी मिला, माँ की दुआ भी मिल गई। और जो चोरी करके ले जाते हैं, उसके बाद भी बताऊं मोहतरमा की क्या हाल होता है? आसान हो रही, मोहतरमा का हाल ये हो जाता है ना, तब भी भरसाई जी से वो गिरा रहता है, तू कहे अपनी अम्मा का तो इतना ले गए है, हमारे का तो इतने क्या फायदा। कभी मुंह सीधा नहीं होगा, और सीधा करना चाहोगे तो टूट भी जाएगा। इसलिए माँ के मकामो मर्तबा को समझो, माँ को नाराज मत करो। अजान हो रही है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप हजरात को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी बातें इंशाल्लाह अगर जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे, कभी आप जुमा में बुलाएंगे तो आ जाएंगे, बाकी बातें इंशाल्लाह कहेंगे। अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक दे और आप हजरात को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।